भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, तक हम सब की प्रार्थना पहुंचे, इतने जोर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट जी, श्री श्याम जाजू जी, श्री शिव प्रकाश जी, खंडूरी जी, भगत सिंह जी, रमेश निशंक जी, श्री विजय बहुगुणा जी, श्री सतपाल महाराज जी, श्री अनिल बलूनी जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, महारानी साहिबा, श्री अजय तमता जी, श्री मदन कौशिक जी, श्री हरबंस कपूर जी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश परिषद के सभी सदस्य भाइयों और बहनों, मित्रों, आज इस देवभूमि उत्तराखंड में मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मिलकर हृदय में बहुत बहुत आनंद हो रहा है। आज उत्तराखंड दौरे का मेरा दूसरा दिन है। कल केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन हुए, हरिद्वार में एक बड़ी बड़ी जनसभा हुई, और आज ये प्रदेश परिषद होने जा रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव के मैदान में जाती है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के विजय के जितने भी इतिहास उपलब्ध है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का विजय कभी भी राजनीतिक मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ। कभी भी नेता के करिश्मे पर भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं हुआ। कभी भी विपक्ष की निर्बलता पर भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं। कभी भी कोई समाचार पत्रों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जितने भी विजय हुए हैं, उसकी नींव डालने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। ये पार्टी का विजय कार्यकर्ताओं के मनोबल पर आधारित, ये पार्टी का विजय कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर आधारित होता है। ये पार्टी का विजय पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं के समर्पण पर आधारित होता है। ये अलग प्रकार की पार्टी है। देश भर में कई पार्टियां चलती है, 1600 से अधिक पार्टियां चलती है मित्रों, 1600 से अधिक पार्टियां, मगर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है कि जिसमें बूथ का अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। और मित्रों, मैं उसका उदाहरण, मैंने अपनी करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ, मेरा जुड़ाव संघवी हाई स्कूल नारायणपुरा अहमदाबाद के विधानसभा बूथ के अध्यक्ष के नाते हुआ था, और आज इस पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष देने का मौका दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में जाती है, तब हम चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उसका फैसला कार्यकर्ता का मनोबल करता है। और मित्रों, आज मैं आप सबके सामने पूछना चाहता हूं कि 2017 में यूपी और उत्तराखंड में चुनाव आ रहा है, आप मुझे बताइए
उत्तराखंड में भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी जरा बताइए, फिर से बताइए, जीतेगी? आप सब संकल्प लेते हैं भाजपा को जिताने का? कमल की सरकार बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? उत्तराखंड के विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगे? मित्रों, अगर इस सभागार के अंदर जितने कार्यकर्ता हैं वो तय कर लेते हैं तो मानकर चलिएगा बद्री केदार का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सालों से राजनीति के अंदर काम कर रही है और 2014 से 2016 का ये कालखंड ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सफलता का सर्वोच्च स्थान है। 30 साल के बाद देश की जनता ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अभी अभी सरकार के 2 साल समाप्त हुए हैं और हम सब विकास पर्व मना रहे हैं। विकास पर्व तो एक नाम रखा है, कार्यक्रम है 2 साल का हिसाब किताब जनता के सामने जाकर देना। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी। जब भी हम चुनाव में आते हैं जो काम करते हैं उसको लेकर जनता के सामने जाते हैं और ये 2 साल की सरकार समाप्त हो गई, सरकार के 2 साल समाप्त हो गए, 3 साल अभी बाकी है, मगर ये 2 साल में 10 साल कांग्रेस के यूपीए की सरकार, 10 साल, और 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले भ्रष्टाचार, 12 लाख। और मित्रों, और इतनी सोच समझकर घोटाले किए थे, भ्रष्टाचार किए थे कि कुछ नहीं छोड़ा था। शंकराचार्य के अद्वैत के सिद्धांत को इन्होंने मानो मन में उतार कर दे दिया। मैं आपको बता दूं कैसे किया था, जानना है आपको? बताऊं? देखिए, सबसे पहले अंतरिक्ष में उन्होंने 2G और इसरो का घोटाला किया, अरबों खरबों का। जो 2G के वेव्स होते हैं वो अंतरिक्ष में होते हैं ना, इसरो का घोटाला भी अंतरिक्ष में। बाद में क्या आता है, आकाश आता है, आकाश में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज खरीदने का घोटाला किया। बाद में क्या आता है, भूमि आती है, भूमि पर आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, CWG का घोटाला किया। बाद में क्या आता है, दरिया आता है, तो वहां पनडुब्बी सबमरीन खरीदने का घोटाला किया। और बाद में क्या आता है, पाताल आता है, वहां कोयले की खदानों का घोटाला किया। अंतरिक्ष, आकाश, भूमि, दरिया, पाताल, हर जगह घोटाले ही घोटाले किए थे। सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया था और आज मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते गौरव के साथ पूरी दुनिया को बता रहा हूं, 2 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार पर घोटालों का एक भी आरोप नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचा हो गया है। सर ऊंचा कर हम जनता के सामने जा पाए, इस तरह से सरकार चली है। मित्रों, जिस तरह से हमारी सरकार चली, एक निर्णायक सरकार चली, यूपीए की सरकार, उसको नीतिगत लकवा हो गया था, पॉलिसी पैरालिसिस था, हर मंत्री अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री था
और प्रधानमंत्री को बिचारे को कोई प्रधानमंत्री मानता ही नहीं था। सरकार कौन चलाता था आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार चल रही है जो देश की हर समस्या का जवाब दे रही है। मित्रों, ये सरकार ने बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार, मजदूर, इतनी सारी योजनाएं लेके सरकार आई है कि 2 साल के अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ा। जनधन योजना, मुद्रा योजना, ग्राम ज्योति योजना, उज्ज्वला योजना, ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, ये सारे काम गरीबी उन्मूलन के लिए है। और एक काम ऐसा किया है प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में LPG का गैस कनेक्शन देने की योजना बनाई है। एक गरीब महिला जो लकड़ी और कंडा जलाकर हर रोज 400 सिगरेट जितना धुआं पी जाती है, उसको मुक्ति दिलाने का काम इन नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, इसके साथ साथ किसानों के लिए प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, नीम कोटेड यूरिया, ई मंडी, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, गोकुल मिशन योजना और अंत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस तरह से बनाई है कि जिसके अंदर बुआई से लेके खलियान तक कहीं पर भी अगर कुदरती आपदा आती है और फसल बेकार हो जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। आज तक कभी भी मैंने ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं देखी। रोजगारी के लिए भी स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और बाद में मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक योजना एक ऐसी योजना है मित्रों, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइज बैंक बना दी और कांग्रेसियों ने बहुत नारे लगाए थे बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए, मगर गरीब को बैंक में से ऋण देने की व्यवस्था 68 साल के बाद भी कोई सरकार नहीं कर पाई। अब नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 10,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण किसी भी गरीब युवा को चाहिए, चाहे वो चना बेचने वाला, ठेला लगाने वाला हो, गांव में हजाम की दुकान खोलने वाला नाई हो, एक छोटी सी दुकान खोलने वाला माली हो, या कोई महिला ब्यूटी पार्लर के एक अच्छी सी दुकान खोलना चाहती है, एक शॉप खोलना चाहती है, MBBS हुआ डॉक्टर गांव में 5 लाख रुपया लगाकर अपना डिस्पेंसरी, अपना दवाखाना खोलना चाहता है, तो भी उसको ये योजना का लाभ मिलेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों, एक ही साल के अंदर 1,37,000 रुपए का ऋण युवाओं को देने का काम समाप्त कर 3,84,00,000 युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मित्रों, जिस तरह से सरकार चली है आर्थिक मोर्चे पर, GDP दुनिया में आज सबसे ज्यादा हमारा है, चीन से भी ज्यादा तेजी से भारत का अर्थतंत्र आगे बढ़ रहा है। IMF और बाकी सारी संस्थाओं ने हमारे अर्थतंत्र के पैरामीटर को बखाना है। महंगाई भी दलालों को छोड़कर काबू में है और मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा भी झिझक में न रहिएगा, 5-6 महीने के अंदर ही दलालों की कीमत को भी ये सरकार नीचे लाकर रख देगी। मित्रों, नीचे लाकर विदेशी मुद्रा का भंडार भी आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार कभी हुआ है तो आज हुआ है।
विदेशी निवेश में भी 42% 42% की बढ़ोतरी हुई है और बाकी सारी चीजों में ये सरकार ने पैरामीटर्स को सुधारा है मित्रों, और सारे बहुत काम किए बिजली के क्षेत्र में, रोड्स के क्षेत्र में, रेल लाइन बिछाने में, हर क्षेत्र में ये सरकार बहुत आगे रही है। और कुछ काम तो ऐसे किए हैं जो सदियों से आधी सदी से नहीं हो पाए। 68 साल की सरकारें आई और गई, कभी किसी ने भी सेना के निवृत्त जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन की समस्या सॉल्व करने का साहस नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल के अंदर वन रैंक वन पेंशन सॉल्व कर सेना के जवानों के लिए बहुत बड़ी सहायता की। जो सेना का जवान सरहद पर खड़ा है, आज उसके मनोबल में बड़ी वृद्धि हुई है, उसको लगा है कि आजादी से आज तक किसी ने मेरी और संवेदना से नहीं देखा, नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने मेरी और संवेदना से देखा है। मित्रों, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान, ये भी ऐसे अभियान रहे हैं जिसके माध्यम से सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया है। और ये सारी चीजें मित्रों इस तरह से हुई कि एक ही साल में सरकार पूरे विश्व के अंदर अपनी साख जमाने में सफल हुई। मित्रों, विदेश नीति के अंदर भी बहुत सोच समझ कर परिवर्तन किया। पहले विदेश नीति का मतलब ये था भारत कहीं पर भी जाएगा और मदद की याचना कर वापिस आएगा। आज विदेश नीति का मतलब है भारत जहां पर भी जाता है एक समकक्ष राष्ट्र की तरह व्यवहार कर गौरव के साथ आदान प्रदान की बात कर वापिस आता है। और इस देश का प्रधानमंत्री यूएन असेंबली के अंदर जाकर उसके मंच पर से पूरी दुनिया को कहता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनीषियों ने एक ऐसी पद्धति बनाई है जिसके आधार पर दवाई बगैर का जीवन संभव। दुनिया इसको स्वीकार करे, दुनिया योग दिन मनाए। और मित्रों, दुनिया के 170 देशों ने इस बात को स्वीकार किया और इस 21 जून को 193 देशों के अंदर योग दिन का कार्यक्रम धाम-धूम के साथ हुआ। और योग दिन के माध्यम से नरेंद्र भाई ने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया है। मित्रों, एक साल की सरकार में इस तरह से काम चला, दो साल की सरकार में, कि अटल जी जब शासन में थे तब ऐसा माना जाता था कि 21वीं सदी भारत में, और 10 साल जब कांग्रेस के आए तो पूरी दुनिया मानने लगी कि भारत की विकास की गाथा समाप्त। और आज फिर से दुनिया मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। दो साल के अंदर नरेंद्र भाई ने दुनिया की मानसिकता के अंदर इतना बड़ा बदलाव किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कई चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक में विजय प्राप्त। महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, झारखंड में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जम्मू काश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री आज शासन कर रहा है, असम के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बिहार और दिल्ली में हम चुनाव जरूर हारे मगर वहां पर भी हमारे वोट प्रतिशत में कटौती नहीं हुई है,
बढ़ोतरी हुई है, मगर सब इकट्ठा हो गए, चुनाव के परिणाम थोड़े अलग आए। और अब यूपी और उत्तराखंड की बात। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव जीती, वो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी जीत भी महत्वपूर्ण है, मगर उत्तराखंड और यूपी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो ये कोई जीत का महत्व नहीं है। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड के इस सभागार के कार्यकर्ता यहाँ से संकल्प लेकर, सरकार बनाने का संकल्प लेकर और पूरे देश के कार्यकर्ताओं को 2019 के विजय का संदेश देने के लिए कटिबद्ध है या नहीं है, बताइए, जरा जोर से बताइए। मित्रों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस सरहदी राज्य में सरकार बनाना, बहुत जरूरी है। मित्रों, चार धाम यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है, कुंभ नगरी यहाँ पर है, ऋषिकेश यहाँ पर है, और अगर ये राज्य में विकास नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई कितनी भी योजनाएं लाए, जनधन योजना लाए, मुद्रा बैंक योजना लाए, उज्ज्वला योजना लाए, चार धाम का रोड बनाने का काम लाए, मगर काम जिस सरकार ने करना है वो भ्रष्टाचारी सरकार है तो उत्तराखंड में विकास नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। बदल दे दीजिए सरकार, ये सरकार बदलती है तभी उत्तराखंड का विकास हो सकता है। नरेंद्र भाई को उत्तराखंड के लिए बहुत काम करना है, मगर यहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहिए कि जो सरकार नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत। मित्रों, चुनाव के अंदर आज सारे प्रांत परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक थोड़ा उदाहरण देके बात करना चाहता हूँ। पुराने जमाने की बात है, दो राज्यों के बीच में बड़ी लड़ाई चल रही थी, दोपहर होते होते निश्चित हो गया कि एक राज्य की विजय होने वाली है, सेना दूसरे राज्य के पीछे जाने लगी, सेनापति के नेतृत्व में जीतने वाले राज्य की सेना आगे बढ़ने लगी, और एक आध घंटे में न जाने क्या हुआ, सेनापति का घोड़ा जमीन पर गिर गया और भगदड़ मच गई, सेना भाग गई, जीतने वाला राज्य लड़ाई हार गया। बाद में जांच पड़ताल हुई कि भाई क्या हुआ, सेनापति क्यों गिर गया, तो मालूम पड़ा कि घोड़े के पैर में जो नाल होती है ना, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, नाली कहते हैं ना, नाल होती है, वो लुहार ने ठीक से नहीं बिठाई थी, नाल निकल गई, तीर पैर में लग गया, घोड़ा गिर गया, जीती हुई बाजी हार गई। मित्रों, उत्तराखंड के अंदर विपक्ष ने ही, सरकार ने ही माहौल बनाया है कि जनता भाजपा को चुनने के लिए तैयार है, मगर जो घोड़े की नाल जो है ना, नाल लगाने वाला लुहार, वो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, वो अगर नाल ठीक से नहीं लगाएगा तो घोड़ा गिर जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि बूथ तक की हमारी संगठन की चुस्तता एक बार हम मजबूत कर ले, लड़ाई के मैदान में लड़ाइयां विधानसभा के स्तर पर नहीं होती, लोकसभा के स्तर पर नहीं होती है, राज्य के राजधानी में नहीं होती है, बूथ पर होती है लड़ाई, बूथ पर होती है। यहाँ पांच परिषद के जितने भी सदस्य हैं, वो एक बार ठान ले, उत्तराखंड का एक एक बूथ अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं मित्रों, एक भी आम सभा के बगैर आप चुनाव दो तिहाई बहुमत से जीत सकते हैं, क्योंकि ये सरकार ने माहौल है सब। मैंने आज तक नहीं देखा
मेरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कोई मुख्यमंत्री कहता हो कि हाँ भैया 5-5 करोड़ दे देंगे, अभी जो भी थोड़ा हाथ तंग है बाद में दे देंगे, कभी ऐसा देखा है? 5-5 करोड़ रुपया एमएलए को देने का स्ट्रीम पकड़ा जाता है, उसका सचिव शराब की नीतियां बदलने में पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है, उनका दूसरा मंत्री स्वीकार कर लेता है कि हमने सबको बंदर बांट करी, और बाद में वो मुख्यमंत्री स्वयं भी हर एक एमएलए को या तो मंत्री बनाता है या संसदीय सचिव या बोर्ड निगम का अध्यक्ष। मित्रों आप मुझे बताइए, 5-5 करोड़ देने की बात वो कर रहे हैं और आरोप हम पर कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा के किसी नेता का स्ट्रिंग आया है भाई? मैं आज प्रदेश परिषद के सभी पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, मित्रों जिन्होंने 5-5 करोड़ ले लिया वो सभी आज सरकार में बैठे थे, नहीं लिया जिन्होंने करप्शन के सामने लड़ाई लड़ी मंत्री पद ठुकरा दिया वो आज भाजपा के साथ है। मन में से, दिल में से, दिमाग में से ये बातें निकाल दीजिए, सबको एक साथ जोड़ दीजिए, अपनी ताकत बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी परिवार नियोजन में तो मानती है मगर व्यक्तिगत परिवार नियोजन में मानती है। भाजपा को बढ़ाने में कोई परिवार नियोजन का कानून नहीं है, अपने कुनबे को बहुत बड़ा कर दीजिए। उस स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जो भाजपा को जिता पाए, जो ये सरकार को उखाड़ना चाहता है, इस सबका मन से स्वागत करिए। पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी तो आपका भी स्थान होगा। इतने सारे विधायक, इतने सारे कार्यकर्ता विधायक बन सकते हैं क्या? बताइए, बन सकते हैं भाई? जरा जोर से बताइए ना, बन सकते हैं? तो इसमें 2000 वोट जुड़ जाएगा तो क्या उखड़ जाएगा? वैसे ही आप नहीं बन सकते सारे, बन सकते हैं बताइए भैया? तो विधायक जो बनना चाहता है, जो और कुछ बनना चाहता है उसके लिए अलग बात है मित्रों, मगर पार्टी बड़ी हो गई तो आपको भी सम्मान मिलेगा। मानो आप जिला के अध्यक्ष हैं, तहसील के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सरकार बनती है तो आप भी बड़े नेता होते हो, सरकार नहीं बनती है तो पार्टी का महत्व भी। सबको साथ में रखकर सरकार बनाने के लिए जिसको भी मदद की जरूरत पड़ती है उसकी मदद लेकर, बड़ा मन लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनाइए, स्थितियां अपने आप सुधर जाएगी। यूपी और उत्तराखंड ये दोनों का विजय 2019 के विजय के लिए बहुत जरूरी। मित्रों मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाई, सीमाओं की सुरक्षा हो या विदेश में देश का सम्मान करने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगारी देने की बात हो या गरीबी उन्मूलन की बात हो, गांव के विकास की बात हो या शहर के विकास की बात हो, कृषि के विकास की बात हो या उद्योग के विकास की बात हो, हर मोर्चे पर ये सरकार ने बहुत सफलता प्राप्त की, मगर उसको चुनावी सफलता में आपके अलावे कोई नहीं बदल सकता। और मैं आज उत्तराखंड में इसी एक लक्ष्य लेकर आया कि छोटी छोटी चीजें मंच पर बैठे हुए हम सभी लोग और सभागार में बैठे हुए सभी कार्यकर्ता दिमाग में से निकाल ले, अर्जुन ने जिस तरह से चिड़िया की आंख का लक्ष्य रखा था उसी तरह से हम रखे अगली बार भाजपा सरकार, बताइए रख पाएंगे? जरा जोर से बोलिए, रख पाएंगे? तो मैं वो फिर से बोलता हूं, दोहराइए, अगली बार, अगली बार, अगली बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।